मोबाइल्स एंड गैजेट्स में किन खबरों ने मचाई हलचल, देखते हैं इन आवर स्पेशल सेगमेंट बज। हाल ही में फिलिप्स ने इंडियन मार्केट के लिए अपने फोन्स अनाउंस किए। ये फोन्स हैं E130, फिलिप्स जीनियम W6610, W3500 और S सीरीज। E130 एक बेसिक फोन है जिसमें आपको ड्यूअल सिम, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, FM रेडियो, माइक्रो SD मेमोरी कार्ड स्लॉट जैसे बेसिक फीचर्स मिलेंगे। इस फोन में 5MP कैमरा विद फ्लैश, एंड्रॉइड 4.2 OS, 4.5 इंच IPS डिस्प्ले जैसे फीचर्स हैं और ये फोन गोल्डन डार्क ग्रे कलर में अवेलेबल है। W3500 एक 5 इंच डिस्प्ले, 1GB रैम वाला फोन है। फोटोज क्लिक करने के लिए इसमें 5MP का रियर कैमरा और 2MP का फ्रंट कैमरा विद फ्लैश है। इस फोन की कीमत है लगभग 16,000 रूपए। इन्हीं फोन्स के साथ W6610 भी शामिल है, जिसकी खासियत है इसकी 5300mAh बैटरी जो कि प्रोवाइड करती है 33 आवर्स ऑफ टॉक टाइम। बैटरी के साथ इसमें और भी कई फीचर्स हैं जैसे कि 8MP रियर एंड 2MP फ्रंट कैमरा, 1GB रैम और 5 इंच डिस्प्ले। हाल ही में लावा ने अपना नया फोन लावा आयरिस X1 लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत लगभग 8,000 रूपए है। फोटोज क्लिक करने के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 2MP का फ्रंट कैमरा है। ये फोन ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है और एंड्रॉइड 4.4.2 किटकैट पर बेस्ड है। वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, ब्लूटूथ लो एनर्जी, माइक्रो USB एंड एज के साथ इस फोन में 3G कनेक्टिविटी भी है। फीचर्स की बात करें तो इसमें कई नए फीचर्स हैं, जिनमें से एक है लावाज न्यू फोन ऐप जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स को प्रायोरिटाइज करेगा आपके यूज के अकॉर्डिंग। MHL ने हाल ही में MHL 3.0 स्पेसिफिकेशन अनाउंस किया। इसकी मदद से आप अपने फोन को चार्ज करते हुए एक लार्ज डिस्प्ले से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नई स्पेसिफिकेशन में मूवी क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए 4K सपोर्ट मिलेगा। इसमें हाई स्पीड डेटा चैनल, इम्प्रूव्ड रिमोट कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ एनहांस्ड 7.1 सराउंड साउंड विद डॉल्बी ट्रू HD एंड DTS HD है। आप MHL 3.0 की मदद से बिना लैग के गेम्स खेल सकते हैं। कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके आप इस डिवाइस को कंप्यूटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये साइमल्टेनियस मल्टीपल डिस्प्लेज सपोर्ट भी देगा। हाल ही में अल्कातेल ने इंडियन मार्केट के लिए एक नया स्मार्टफोन अल्कातेल वन टच आइडल एक्स प्लस लॉन्च किया। ये 2 GHz ऑक्टोर स्मार्टफोन 8.1 mm थिन है। इस फोन का 5 इंच IPS डिस्प्ले है। स्मार्टफोन के साथ आपको एक वेयरेबल बूम बैंड मिलेगा, जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आप पूरे दिन में कितने कदम चले या फिर कितने घंटे सोए। ये बैंड फोन के साथ फ्री में अवेलेबल है। हाल ही में कॉनिका मिनोल्टा ने बिजहब सीरीज में प्रेस C1070 और बिजहब प्रेस C1060 के नाम से 2 नए प्रिंटर्स लॉन्च किए। अब तक मार्केट में मौजूदा प्रिंटर्स के मुकाबले ये प्रिंटर्स A4 शीट पर 61 से 71 पेपर पर मिनट की स्पीड से प्रिंट करते हैं। प्रिंटर्स का फोर्थ जनरेशन सिमेट्री HDE टोनर बेहतरीन इमेज क्वालिटी देता है। इसके साथ ही प्रिंटर में एयर सक्शन पेपर फीड ऑप्शन और एयर असिस्टेड फीडर ऑप्शन भी है, जिसकी मदद से स्मूथ प्रिंट रन्स मिलते हैं और पेपर जाम होने की दिक्कत भी नहीं आती। बिजहब प्रेस C1070 और बिजहब प्रेस C1060 में इमेज डेंसिटी और कलर डेंसिटी कंट्रोल जैसे ऑप्शंस भी हैं। अब वक्त है आपके फेवरेट सेगमेंट का Q&A, जिसमें अलका पूछेंगी हमारे एक्सपर्ट रजत से आपके हफ्ते भर के भेजे सभी सवाल। वेलकम टू आवर Q&A सेगमेंट। हमारा पहला सवाल आया है मुंबई से गौरी का। गौरी एक फोन लेना चाहती है, इन्होंने चूज किया है मोटोरोला का मोटो ई और माइक्रो मैक्स यूनाइट 2। तो रजत, आप इनको कौन सा फोन सजेस्ट करेंगे? तो जैसा आपने माइक्रोमैक्स के यूनाइट 2 और मोटोरोला का मोटो ई के बारे में पूछा है, तो अगर आप स्पेसिफिकेशन से जाते हैं तो माइक्रोमैक्स का फोन जो है उसमें ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। एक क्वाडकोर प्रोसेसर मिल रहा है, फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिल रहा है, बड़ा डिस्प्ले भी मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल यूसेज के हिसाब से देखेंगे तो मोटोरोला ज्यादा अच्छा है। उसमें आपको एक बढ़िया स्क्रीन मिल रहा है, रेजोल्यूशन वाइज और पिक्सल डेंसिटी वाइज काफी अच्छा है। उसमें साथ में वाटरप्रूफ भी है और कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 भी है डिस्प्ले के ऊपर, तो
जो आपका लॉन्ग टर्म यूसेज के हिसाब से है तो मोटरोला ज्यादा अच्छा है. साथ में मोटरोला एक ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड यूजर एक्सपीरियंस देता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मोटरोला के लिए जाएं. अहमदाबाद से मानव एक सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं, बजट है इनका 30,000 से 35,000 रुपए. रजत, इनके लिए कौन सा फोन बेहतर रहेगा? तो 30,000 से 35,000 रुपए के बीच में आपने जो स्मार्टफोन पूछा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सैमसंग का गैलेक्सी S4 लें. फीचर्स वाइज S5 और S4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 5 इंचेस का आपको एक 1080p डिस्प्ले मिल रहा है, 13 मेगापिक्सल कैमरा, और ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस वाइज भी काफी अच्छा फोन है. वैल्यू फॉर मनी भी है और उसमें भी एंड्रॉइड किटकैट भी आ गया है. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गैलेक्सी S4 लें 30 से 35 के बीच में अगर आपका बजट है. दिल्ली से शिल्पी एक पॉइंट एंड शूट कैमरा लेना चाहते हैं, इनको फोटोग्राफी का काफी शौक है लेकिन इनका बजट है 10,000 रुपए और इन्होंने चॉइस किया है कि इनको निकॉन का ही कैमरा चाहिए. तो रजत, इनके लिए आप कौन सा कैमरा सजेस्ट करेंगे? 10,000 रुपए के नीचे में पॉइंट एंड शूट कैमरा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा निकॉन का S6700. 20.1 मेगापिक्सल कैमरा है इसमें. साथ में आपको 10x डिजिटल 4x ऑप्टिकल जूम, 3 इंच का इसमें एक डिस्प्ले भी मिलेगा. अगर आपको कोई और ऑप्शन चाहिए तो कैनन का पावर शॉट A4000 भी एक अच्छा ऑप्शन है. गैजेट्स का ये एपिसोड भी आपको जरूर पसंद आया होगा. अगर आप भी हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए अपना नाम, सवाल या सुझाव 257575 पर. आप फेसबुक पे जाके जी बिजनेस की कम्युनिटी में पेज लाइक कीजिए मोबाइल्स एंड मोर. आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है @ZBusiness. आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात मोबाइल एंड गैजेट्स के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस, आपका फायदा.